मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर में उत्तराखंड को अलग राज्य को बनाने के लिए आंदोलन हुआ था। जिन लोगों ने शहादत दी थी, सीएम धामी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य को बनाने के लिए हमारे उत्तराखंड के भाइयों ने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादतों को भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं राज्य की सरकार आंदोलनकारियों के लिए योजनाएं बना रही है, उनके पेंशन में भी वृद्धि कर दी जाएगी। प्रतिवर्ष इस दिन को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की शहादत को याद किया जाएगा। प्राणों की आहुति जी, और निश्चित रूप से ये सब हमारे हमेशा स्मरण में रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी स्मरण में रहेंगे जी, ठीक है। और इनके सपनों का जो उत्तराखंड है जी, उसको बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनके सपनों के, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जो पहले कभी उत्तराखंड के अंदर सोचना भी जो कठिन काम होता था, उन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। हमारे शहीद भी, हमारे जो आंदोलनकारी भी इसी दिशा में सोचते थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।